वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक हम कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक तो होते हैं रेशनल नंबर, और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये दो बातें हैं। यहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा भाई, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू मस्ट नॉट बी जीरो। ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हो, और नीचे वाला हर जीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर चार टाइप के होते हैं। पहला होता है पाई, पाई इज इरेशनल नंबर। 7/0, 4/0, 8/0, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। क्यू जीरो अगर होगा तो फिर इरेशनल, क्यू जीरो नहीं है तो रेशनल। डेसिमल 4, 3, 2, 6, 4, 9, 5, 3, ना तो रिपीट हो और ना खत्म हो, तो ये इरेशनल नंबर होता है। डेसिमल का भी, डेसिमल्स में ना तो खत्म हो और ना रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो इरेशनल नंबर होते हैं। और जो हमारे काम के हैं वे हैं वर्गमूल में, वे संख्याएं वर्गमूल में जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 होता है, ये रेशनल नंबर है। इट कैन बी रिटन 2/1। 9 का अंडर रूट करेंगे तो ये 3 होगा, इट कैन बी रिटन 3/1। 6/2, 9/3, ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होगी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, ये इरेशनल नंबर हैं। अंडर रूट 1 = 1, रेशनल। अंडर रूट 4 = 2, रेशनल। अंडर रूट 3 = अंडर रूट 9 = 3, रेशनल। अंडर रूट 16 आएगा तो ये 4 आएगा, रेशनल नंबर। जिनके वर्गमूल नहीं निकलते और वे वर्गमूल में हो तो वे इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। बहुत बढ़िया, इरेशनल नंबर्स पर क्वेश्चंस हैं। जैसे अंडर रूट 3 + √2 अपौन √3 - √2, इसके हर में अपरिमेय संख्या है। सवालों की पहचान करनी है, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। ये अपरिमेय संख्याएं हैं, अंश में बेशक अपरिमेय संख्या हो, इरेशनल नंबर हो, हर में इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, इसमें इरेशनल नंबर है। इसका बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे। इट कैन बी रिटन √3 + √2 अपॉन √3 + √2, ऐसे आएगा। अब हम ऊपर वालों की गुणा करेंगे यहाँ, तो √3 + √2 इसका होल स्क्वायर करेंगे और अपॉन करेंगे √2 का स्क्वायर। ये a माइनस b है, ये a प्लस b है, हमेशा ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाना है। a प्लस b अगर दे रखा है तो a माइनस b से गुणा करके, और a माइनस b अगर दे रखा है तो a प्लस b से गुणा करके। नीचे यहाँ पर हम लोगों को ये √3 - √2, अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाना है। माइनस है तो प्लस से गुणा भाग करेंगे, और प्लस होता है तो माइनस से गुणा भाग करेंगे, ताकि ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आए। ऊपर हम सॉल्व करेंगे, तो हमने अभी कुछ सवाल किए थे इससे पहले वाली वीडियो में, अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो देखना। तो 3 और 2 = 5 + 2 √6, और इसके बटे ये 3 - 2, तो ये 1 हो गया। सो आंसर इज 5 + 2 √6। उम्मीद करूंगा ये बात तुम्हें सही से समझ में आ गई है। मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, सुदेश कश्यप पढ़ दिया, मोनिका चौधरी वीडियो रुक गई, अलीगढ़ चल रही है वीडियो, राजकुमार 2 + 5 + 2 √6, बहुत बढ़िया। मोनिका चौधरी माइनस होगा बीच में। यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, √5 - √3 / √5 + √3, हर में अपरिमेय संख्या है, ऐसा दिखते ही बोलना चालू होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं कि ऑटोमेटिक बटन दबा नहीं, हर में अपरिमेय संख्या है। हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे। अगर ये बातें तीनों याद नहीं है तो एक बार दोबारा से 10 सेकंड वाला पीछे करने वाला है ना बटन, दोबारा दबा लेना और दोबारा से फिर सुनना। हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदलकर गुणा और भाग करेंगे। बीच का निशान प्लस है तो माइनस बनाएंगे, √5 - √3 / √5 - √3, ऐसे करेंगे। ऊपर इसका होल स्क्वायर आएगा,
ये a माइनस बी है और ये भी a माइनस बी है, किसी भी चीज को उससे गुणा करें तो उसका होल स्क्वायर होता है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन, इसमें करेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब मैं ये कह रहा हूं तुम्हें डायरेक्ट हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे तो माइनस वाले से गुणा, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा। इसका होल स्क्वायर लिखेंगे 5 और 3 8 माइनस 2 वर्गमूल 15 और नीचे लिखेंगे 5 माइनस 3 2 ऐसे लिख देंगे। यहां ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया 4 माइनस वर्गमूल 15 और इसके बटे करेंगे 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से सवाल हो सकता है। सेंटर खुलेगा मंडे को, अभी पढ़ें। आरुंशी शर्मा बहुत दिनों बाद दिखी है, वेरी गुड। चलो भाई वापस से बातें करेंगे अब। हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे तो ये प्लस वाले से गुणा होगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूं 8 जमा 2 वर्गमूल 15। अगर ये ऐसे लिखना डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लो, उसके अंदर ये सारी बातें हैं, आपका सारा आ जाएगा। कल मेरा CHSL का एग्जाम था, सारा पढ़ाया हुआ आया हुआ था, बहुत बढ़िया। इसके बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 5 माइनस 3 2, 2 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, 2 कॉमन लेके काटेंगे तो 4 जमा वर्गमूल 15 रह जाएगा, बाहर 2 और ये नीचे 2 वाला इससे कट जाएगा, तो 4 जमा वर्गमूल 15 ए सही उत्तर है, 82A, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे, ऊपर वाले का होल स्क्वायर आएगा, नीचे 6 माइनस 5 1 आएगा, इसका होल स्क्वायर 6 और 5 11 जमा 2 वर्गमूल 30, आंसर। सीधा लिखना सीखो, जब ऐसे सीधा लिखना सीखोगे तब बात बनेगी, तब ये बात बनेगी, बहुत ही अच्छी बात है। इससे अगला, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें तो 7042 215 215, ये ऐप वालों का नंबर है, इस नंबर पे बात कर लेना भाई, टेक्निकल टीम का नंबर है। कोई भी डाउट रहता, कोई दिक्कत रहती, कोई क्लास नहीं मिल रही, कुछ और हो रहा है, इस नंबर पे कॉल कर लो, तुम्हारा काम सही बन जाएगा, बहुत बढ़िया। ऐप से रिलेटेड जानकारी इस पर मिलेगी सारी की सारी। हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे तो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना, प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नीचे आएगा 2 और ऊपर आएगा 13 और 11 24 माइनस 2 वर्गमूल 143, तो ये 12 माइनस वर्गमूल 43, बी सही उत्तर है, 84 का। विवेक शुक्ला बहुत दिनों बाद दर्शन दिए ऐप पर, सेंटर की क्लासेस लगातार चल तो रही थी, ये वाला टॉपिक बचा हुआ था तो ये टॉपिक मैं करवा देता हूँ, इसके ऊपर अब टेस्ट वाले उसके ऊपर काम करेंगे, टेस्ट वाला काम प्रॉपर चलेगा तुम्हारा, एमपी से रिलेटेड स्टेट जीके के सारे पेपर होने वाले हैं अभी, अब सारा काम प्रॉपरली चलेगा, एक टेस्ट हुआ करेगा वीक में और बाकी हुआ करेंगे टॉपिक वाइज, प्रॉपर तरीके की प्रैक्टिस तुम्हारी अब चलने वाली है। जिसलिए ऐप बनवाया था तो ये ऐप उस फॉर्म में पहुंच गया है, एक अपडेट और चाहिएगा छोटा सा और उसके बाद आप लोगों को ये सब बातें आती हैं। हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे, ऐसा होने के बाद 8 माइनस 8 और 7 15 माइनस 2 वर्गमूल 56 और नीचे 1 आ जाएगा, 15 माइनस 2 वर्गमूल 56, सी सही उत्तर है, 85। ये स्क्वायर दे दिए भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इस प्लस वाले में सब कुछ प्लस आएगा, यहाँ प्लस, इस माइनस वाले में कुछ प्लस आएगा कुछ माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, इसके अंदर अब हम जो प्लस वाला आया, देखो आंसर डिपेंड, इसमें सब कुछ प्लस आना, इसमें सब प्लस आएगा, आंसर डिपेंड करेगा माइनस वाले पर, इसमें जो जो प्लस आएगा वो डबल आएगा, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस का है, डबल करेंगे, एक यहां से 2A स्क्वायर, इसको ध्यान से सीखना जो मैं बात बता रहा हूं, प्लस बी स्क्वायर तो ये डबल हो जाएगा प्लस 2B स्क्वायर और माइनस 2AB, जो इसमें माइनस आएगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आंसर डिपेंड, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आंसर डिपेंड करेगा माइनस वाले पर, इसमें जो जो प्लस आएगा वो डबल हो जाएगा, जो माइनस आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस है तो डबल हो गया, प्लस बी स्क्वायर तो डबल हो गया, माइनस 2AB तो माइनस है तो कैंसिल हो गया, ऐसे आएगा आंसर। तो हम इसमें सीधा करेंगे, जब ऐसा सवाल आएगा ये बात अगर नहीं आई है तो एक बार 10 सेकंड पीछे, फिर 10 सेकंड पीछे, ऐसे पीछे करके दोबारा से उसको देख लो, और आ गई है तो बहुत ही खुशी की बात है।
सवाल सीधा आते ही हम सीधा भिड़ा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आंसर माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, इसमें जो जो प्लस आएगा वो डबल, ए स्क्वायर 5 दूनी 10 प्लस बी स्क्वायर 3 दूनी 6, 10 और 6 16, बी सही उत्तर। तो एक सेकंड का सवाल बनेगा, बहुत बढ़िया प्रीति सैनी सरोज बाला, बहुत बढ़िया आप लोगों ने लिख रखा, मोनिका चौधरी प्रीति सैनी सरोज बाला भादरा, उषा राणा, उषा राणा जो है गुड मॉर्निंग कह रही है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया बेटा। गैरी अंबाला, अंकुश वर्मा, आगरा में कोचिंग सेंटर बंद पड़ा भाई, प्रेशर है बहुत ज़्यादा पुलिस का, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है पुलिस का, स्टूडेंट्स खड़े होंगे तो सेंटर खुलेंगे, स्टूडेंट्स बैठेंगे तो फिर सब बैठ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिपेंड करेगा माइनस वाले पर, इसमें जो जो प्लस आएगा वो डबल, तो ए स्क्वायर 7 आएगा, 7 दूनी 14 प्लस बी स्क्वायर 6 दूनी 12, इनको जोड़ेंगे 26, ए सही उत्तर है, 87 ए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर माइनस वाला है, माइनस है बीच में, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको खोलेंगे, अब भी आंसर माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, जब बीच में प्लस था आंसर माइनस वाले पर डिपेंड कर रहा था, जो जो प्लस है वो डबल हो जाएगा, जब आंसर माइनस में होगा तब भी माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, इसमें जो प्लस आया ए स्क्वायर, इस माइनस के कारण बनेगा माइनस ए स्क्वायर और कैंसिल हो जाएगा इसे इसके साथ, ये प्लस बी स्क्वायर आया, इस माइनस के कारण माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 2ab, इस हिसाब से प्लस 2ab ये 4ab हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आई होगी, अगर बीच में माइनस है तो आंसर माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, माइनस वाले में जो जो प्लस आएगा वो कैंसिल और जो माइनस आएगा वो प्लस होकर के डबल, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, प्लस होगा तो भी माइनस वाले पर डिपेंड करता है, इसमें जो प्लस आएगा वो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ए स्क्वायर 8 प्लस आएगा माइनस हो गया कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर 6 माइनस हो गया कैंसिल, माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab आएगा प्लस हो जाएगा और 4ab हो जाएगा, तो ए बी हुआ यहाँ पर 8 × 48 अंडर रूट 48 और बाहर आएगा 4 4ab प्लस का, इसमें से अगर मैं 16 में से 4 बाहर करूँ, 4 × 16 √3 ये सही उत्तर इसका है, बी सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें आती होगी, 48 है तो अंडर रूट 48 को 2 × 2 × 2 × 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं, एक जोड़ा बाहर जाएगा 2, एक और जोड़ा बाहर जाएगा 2 और ये 3 रहेगा अंदर अंडर रूट का, ये हो गया 4√3 और 4 पहले से ही था तो ये 16√3, उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो मुझे बताना, बहुत ही बढ़िया 88 का बी, लवली उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। बीच में माइनस है, माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, जो प्लस आएगा वो कैंसिल होगा, ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ab माइनस के कारण प्लस होगी 2ab और इसमें से डबल हो जाएगी तो 4ab, 4ab करना है तो 4 तो है ही और ab में इनकी गुणा करनी है, अंडर रूट 48, 48 को 16 × 3 ऐसे अंडर रूट में लिख सकते हैं 4, ये 16 बाहर आएगा 4 पहुंचेगा, 4 × 16√3 बी सही उत्तर। बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे, बीच में माइनस है, माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, ए स्क्वायर आएगा कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर आएगा कैंसिल, माइनस 2ab प्लस हो जाएगी, 4ab बनेगा तो 4√110 ए सही उत्तर। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सबको सही आ गया होगा समझ में और नहीं आया हो तो बताना। बीच में माइनस है, इसमें सब प्लस होकर के सब कुछ माइनस हो जाएगा, इसमें जो प्लस है इस माइनस के साथ कैंसिल, जो माइनस है वो डबल होगा तो यहां माइनस आएगा माइनस 2ab माइनस 2ab डबल होकर के माइनस 4ab माइनस 4 तो है ही और ए बी √15 माइनस 4√15 ए सही उत्तर है 90 नंबर क्वेश्चन। दो बातें याद रखो, अगर बीच में प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल आएगा और बीच में माइनस है तो 4ab आएगा, आगे प्लस है तो प्लस 4ab माइनस है तो माइनस 4ab, ये दो बातें बनती हैं यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ तुम्हें, ज्यादा अच्छा एहसास होगा तुम्हें बाद में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में अगर प्लस है तो इनका आंसर आएगा 2a² + 2b² आंसर डिपेंड करेगा माइनस वाले पर,
इसमें माइनस वाले में जो जो प्लस आएगा ये सब प्लस है तो डबल हो जाएगा, इसमें सब प्लस है इसमें जो प्लस आएगा वो डबल हो जाएगा, ए स्क्वायर तो टू ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस टू बी स्क्वायर, माइनस टू ए भी आते ही कैंसिल हो जाएगा। अगर बीच में माइनस है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें सब कुछ है प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसमें सब कुछ प्लस कुछ माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस के कारण निशान बदलेगा, ए स्क्वायर है तो माइनस के कारण माइनस ए स्क्वायर कैंसल, माइनस बी स्क्वायर कैंसल, माइनस टू ए बी प्लस होकर के प्लस टू ए बी हो जाएगा, तो यहां पर फोर हो जाएगा डबल, फोर ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस फोर ए बी, ये स्ट्रक्चर है भैया। बीच में प्लस है तो ए स्क्वायर का डबल प्लस बी स्क्वायर का डबल, बीच में माइनस है तो आएगा 4ab, आगे प्लस है तो प्लस 4ab, आगे माइनस है तो माइनस 4ab, इनमें दोनों केसों में यही का यही आएगा। 75 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज, मैं ये समझता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। सेवेंटी फाइव कहां रह गया? हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे, इतनी लाइन बोलने के बाद यहां पर जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहां आएगा 12 जमा 2 वर्गमूल 35 और बटे आएगा 2, इसका निशान बदलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2, और इसका करेंगे तो हम अलग अलग हर का परिमेयकरण करेंगे, 7 और 5 12 जमा 2 वर्गमूल 35, अब यहां प्लस 12 माइनस 2 वर्गमूल 35 और इसके बटे 2, हर बराबर है डायरेक्ट जुड़ेगा, ये सीधा जुड़ जाएगा, तो ये सीधा जुड़ेगा तो 12 और 12 24 और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल और बटे करेंगे 2, तो 12 उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें हर का परिमेयकरण करना अलग अलग आता होगा, ये हर का परिमेयकरण तुम्हें ऐसे आता होगा, नहीं आता होगा तो पहले दे रखा है, और ये हर का परिमेयकरण इसका ऐसे आता होगा, तुम्हें नहीं आता होगा तो पहले दे रखा है, ये प्लस बी ए माइनस बी, इसका निशान बदलेंगे माइनस के साथ गुणा और भाग करेंगे, ऊपर होल स्क्वायर नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे तो 7 माइनस 5 2, ऊपर 7 और 5 12 माइनस 2 वर्गमूल 35, ये सवाल इस प्रकार से है। इस सवाल में शॉर्टकट लगता है थोड़ा सा, ऐसे करने के बाद शॉर्टकट करने का मूड बाई चांस बने तुम्हारा गलती से, तो इनको जोड़ना है सीधा, 7 और 5 12, 12 और 12 24 और इनका अंतर दे रखा 2, 2 से भाग करेंगे तो 12 आंसर है इसका, इतना लिखना पड़ेगा सिर्फ। उम्मीद करता हूं सवाल सही समझ में आया होगा, 91 का बी सही उत्तर है। जसविंदर कौर, संजय टंडन, पूनम वर्मा, पीडीएफ नहीं डलवाई क्या पिछली वीडियो पर? डल गई पीडीएफ, पुरानी वीडियो पर डल गई, 88 और 89 का फर्क नहीं पता चला, 88 और 89 दोनों एक जैसे सवाल हैं, कोई फर्क नहीं है। 92, हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, इसके लिए अलग बोलना है, इसके लिए अलग बोलना है, जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर आएगा 5 और 3 8 माइनस 2 वर्गमूल 15 और नीचे आएगा 2, ऐसे ही प्लस यहां आएगा, यहां प्लस आएगा 8 माइनस 2 वर्गमूल 15 और नीचे आएगा 2, अब वही 2 वर्गमूल 15 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 8 16 का आधा 8, ए सही उत्तर, सीधा करेंगे 5 और 3 8 और 8 16 बटे 2, 8 उत्तर ए। 92 का ए राजकुमार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 14 और 11 25 और 25 50 और बटे 3, 16 सही 2 बटा 3, डी सही उत्तर है। 93 नंबर क्वेश्चन, सीधा जोड़ेंगे 15 और 13 28 और 28 56 का आधा 28, सी सही उत्तर, दो अंतर है, दो से भाग करेंगे, 15 13 28 और 28 56 बटे 2। 11 और 10 21 और 21, ये तो माइनस आ गया बीच में, बीच में माइनस आ गया, बीच में माइनस आएगा, ऊपर इसका होल स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा, माइनस वाले पर डिपेंड करता है, बीच में माइनस है तो 4 ए भी आएगा, 4 ए भी, नीचे तो एक आना ही है, ऊपर 4 ए भी आएगा, तो माइनस 4 रूट 110, डी सही उत्तर। 95, माइनस है बीच में तो 4 ए भी आएगा, आगे माइनस है तो माइनस 4 ए भी आएगा, माइनस 4 रूट 42, बी सही उत्तर। किसी को नहीं आ रहा तो अलग अलग करके ऑप्शन ऐसे करना पड़ेगा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 इसका होल स्क्वायर, और अपन 7 माइनस 6 1, और ये माइनस आएगा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस है यहाँ पर, अब यहाँ सब कुछ प्लस आएगा, इस माइनस के कारण सब माइनस हो जाएगा, इसमें जो प्लस आएगा ये स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2 ए बी, तो माइनस 4 ए बी आएगा, माइनस 4 रूट 42, ये आंसर है बी।
उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो शुरुआत से वीडियो फिर से देखना, बीच में प्लस आ गया तो प्लस होगा, 11 और 14 कितना हो गया 25, और 25 50 और बटे 3 16 सही, 2/3 डी सही उत्तर है। इसमें होल स्क्वायर आ गया, पहले अंदर वाला निपटाएंगे, अंदर वाला निपटेगा तो 5 और 3 8 जमा 2 वर्गमूल 15 2 से भाग होगा, तो इसके अंदर आएगा 4 जमा वर्गमूल 15 इसका होल स्क्वायर, और माइनस आया 4 माइनस वर्गमूल 15 इसका होल स्क्वायर, बीच में है माइनस, डिपेंड करेगा माइनस वाले पर, इसमें सब कुछ प्लस है, जो प्लस है वो माइनस होके कैंसल, और जो माइनस आएगा 2ab वो माइनस से प्लस होकर के डबल होगा तो 4ab आएगा, 4ab हो गया 16√15 बी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होगी। 98 बी मोनिका चौधरी अलीगढ़, बहुत बढ़िया। प्रियंका कंपोज, बहुत ही अच्छे। अगला सवाल, बीच में माइनस है 4ab आएगा, ऊपर भी माइनस है, पहले तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 माइनस 3 1 4 माइनस 3 1 इसका होल स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा तो 4 और 3 7 माइनस 4√3 इसका होल स्क्वायर, और माइनस 7 + 4√3 इसका होल स्क्वायर। आगे माइनस है तो माइनस 4ab आएगा, माइनस 4 × 4 = 16 × 7 = 112 और √3 ए सही उत्तर है। कोई सवाल समझ में ना रहा हो तो मुझे बता दो भाई। 91 to 97 ट्रिक बता दो सर, 4-5 बार कर ट्रिक अपने आप बन जाएगी, 4-5 बार कर ले। बीच में प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसके अंदर देखो 8 - 7 तो 1 बनेगा नीचे, ऊपर इसका होल स्क्वायर बनेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 8 और 7 = 15 जमा 2ab आएगा 4√14 और फिर इसका है होल स्क्वायर, और प्लस में 15 - 4√14 इसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का डबल करना, 15 का स्क्वायर 225 डबल 450 प्लस इसका होल स्क्वायर 16 × 14 224 का डबल 448 टोटल किलम मिला के कितना हो गया 998 बिल्कुल 998 898 यार 4 और 4 8 आएगा ना, और फिर ये 9 आएगा और फिर 8 आएगा, 898 सी सही उत्तर। प्रैक्टिस की मांग करेगा, प्रैक्टिस करो थोड़ी थोड़ी, शुरुआत से करते आओगे अपने हाथों से कॉपी में, प्लस हो रहा है स्क्वायर वाला डबल होगा, यहाँ इसका होल स्क्वायर बनेगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा, देखो 9 - 8 है ये, 9 - 8 नीचे 1 बनेगा, ऊपर होल स्क्वायर तो 9 और 8 17 17 - 2 आएगा 2ab 2 × 3 = 6 × 6 = 12 12√2 इसका होल स्क्वायर, अब प्लस करेंगे तो 17 + 12√2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बीच में प्लस है, माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, जो जो प्लस आएगा वो डबल होगा, 17 का स्क्वायर 289 289 × 2 लेना पड़ेगा, और प्लस बी स्क्वायर 144 × 288 288 × 2 लेना पड़ेगा, 2 लेता हूँ कॉमन, 9 और 8 17 का 7 8 और 8 16 और 1 17 4 और 1 5 और गुणा करेंगे 2 7 × 2 = 14 14 और 1 = 15 10 और 1 = 11 1154 बी सही उत्तर है। 101 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मोनिका चौधरी, सरोज बाला, मोनिका कुमारी, अंकिता यादव यादव, बहुत बढ़िया बेटा, लवली उत्तर प्रदेश, बहुत ही अच्छे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ये पावर में -2 है, इनवर्स वाला है, इनवर्स वाला पावर में जब माइनस होता है, मैं एक को करके दिखाता हूँ फिर बाकी बातें तुम्हें समझ में आएंगी। ये 6√5√ और इसमें पावर -2, माइनस पावर हो तो इसको 1/2 करते हैं, इसको 1/√6 + √5 और फिर इसका स्क्वायर सोच लेंगे। अब इस अंदर वाले को भुगतेंगे, अंदर वाले को पावर में माइनस का प्लस करना है तो ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ लिखेंगे 6 में से 5 गया 1 और इसको जो गुणा करेंगे ना, हर का परिमेयकरण, इसको गुणा करेंगे 1/√6 + 1/√5 गुणा करेंगे √6 - √5/√6 - √5 ऐसे। ऊपर तो आ गया √6 - √5 और नीचे 6 - 5 1 1 तो ऐसे ही रह जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, और इसका स्क्वायर तो हम कर ही रहे थे, ऐसे स्क्वायर रहेगा। ये यहाँ पर पावर में माइनस है और अंदर ये ले रखा है तो यहाँ पर माइनस आएगा बस, √6 - √5 और यहाँ पावर में स्क्वायर कर दो प्लस। अब यहाँ माइनस है तो √6 + √5 और यहाँ पर स्क्वायर कर दो फिर। ऐसे हो जाएगा ये। ऐसे करने के बाद आगे इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं,
ऐसे करने के बाद आगे डायरेक्ट हम जो है ए स्क्वायर जो भी फार्मूला हमारा वो कर देंगे हम। इतनी बात मैं समझता हूँ, समझ गए होगे, ध्यान से दो बात को, यहाँ प्लस कर लो और यहाँ माइनस लगा दो सीधा, यहाँ प्लस कर दो और यहाँ भी प्लस कर दो सीधा। अब यहाँ पर आंसर माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, आगे माइनस है, इसमें प्लस है बीच में, तो स्क्वायर वाला आएगा। इसका स्क्वायर 6 × 12, इसका स्क्वायर 10, 5 × 10, टोटल मिलाकर के 22 उत्तर है। डी सही उत्तर, 102 नंबर, बहुत बढ़िया, डी 22, बहुत सारे बच्चों ने लिख रखा है, उम्मीद करता हूँ सबको आ गया होगा। आज फिर इसका एक टेस्ट लेगा मेरे ख्याल से, आज तो मैं बनाऊंगा, एक दिन लगता है उसमें जो है उसको कटिंग और जो है वो करने में, कल पेपर मिलेगा फिर तुम्हें इसका, इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को आप लोग बेसिक वाले में ना, न्यू जर्नल में, बेसिक में नहीं है ये, न्यू जर्नल में और ओल्ड जर्नल के मैंने सारी वीडियोज बना दी है, ये सभी वीडियोज देख करके, और फिर तुम्हें टेस्ट मिलेगा, फिर तुम टेस्ट देखना उसके ऊपर। अब यहाँ पर प्लस इसमें करेंगे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बीच में प्लस है, माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, जो जो प्लस आएगा डबल होगा। अंडर रूट 7 × 7 × 14, अंडर रूट 6 × 6 × 12, इनको जोड़ेंगे 26, डी सही उत्तर है, 103 का डी। पावर में माइनस, यहां प्लस करेंगे यहां माइनस, यहां प्लस करेंगे यहां माइनस, आंसर डिपेंड करेगा, माइनस है बीच में, माइनस वाले पर ये माइनस है, आगे माइनस, तो माइनस 4 भी आने वाला है, माइनस 4 भी, तो माइनस 4√30, बी सही उत्तर है। ये सवाल एक दो बार देखने के बाद तुम्हें अच्छा एहसास होगा, तुम अच्छे तरीके से कर सकते हो इसको। यहां पर पावर में माइनस है, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको माइनस, ऐसे पावर माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, आगे प्लस है तो प्लस 4 भी, जब माइनस होता है बीच में तो 4 भी आएगा, आगे प्लस है तो प्लस 4 भी, आगे माइनस है तो माइनस 4 भी, तो 4√30, इस सवाल का उत्तर ए। यहां पावर में माइनस 4 हो गया, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, बीच में प्लस है, ये माइनस है, यहां ये माइनस का निशान है। अब बीच में प्लस है तो प्लस वाला ही रहना, पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे इसका, तो 3 × 2 = 5, −2√6, अब ये 4 पावर थी तो पहले स्क्वायर रह गया, अब प्लस में ऐसे कैसा, इसमें भी आना प्लस, 5 × 2√6, अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये बीच में प्लस है तो प्लस वाला ही आएगा डबल, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 × 50 और प्लस बी स्क्वायर, तो ये 4 × 6 = 24 × 48, जोड़ेंगे 96, 98, बी सही उत्तर है। सवाल नहीं आया हो तो मुझे बताएं। 98 मोनिका चौधरी, प्रीति राठी, आशु चौधरी, रूबी रानी, मुनीश कुमारी, आदो ने डी लिख रखा, बी सही उत्तर है इसका, बी 98, बहुत बढ़िया। यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, बीच में प्लस है, प्लस वाला आएगा, इसके अंदर मैं इसको सॉल्व करता हूं, माइनस वाला ही सॉल्व करने की आदत डालो हमेशा, तो इसका पहले स्क्वायर करेंगे, जैसे √3 − √2, इसका स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे ये है 4 पावर, ऐसे करेंगे, तो इस अंदर वाले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, इसमें अंदर वाला स्क्वायर ये सॉल्व करना है, तो 3 × 2 = 5 −2√6 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर वहां तो प्लस वाला आना है, इसमें जो जो प्लस है वो डबल होना है, तो इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, डबल करेंगे 50 और यहां 20² = 24, डबल करेंगे 48, आंसर इज 98। उम्मीद करता हूं सवाल आया होगा समझ में। यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, बीच में माइनस है, आगे माइनस है, माइनस माइनस 4 भी आएगा, पहले स्क्वायर करेंगे 5 × 2√6, माइनस आएगा ना भाई, 2√6 और फिर इसका स्क्वायर करना है, तो यहां पर आएगा माइनस 4 भी, −4 × 20 × 40 √6, डी सही उत्तर। ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 2-4 बार करोगे तब बात बनेगी। यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, माइनस है बीच में तो 4 भी आएगा, आगे वाला प्लस है तो प्लस 4 भी आएगा, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करने में 5 × 2√6, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर वाला डबल आएगा, 5 का स्क्वायर 25 × 50 और 24 × 48, जोड़ करेंगे 98, बी सही उत्तर है। नहीं भाई, बीच में माइनस था ना, तो माइनस 4 भी आएगा, माइनस आगे प्लस था तो प्लस हो जाएगा 4 भी, ये बीच में माइनस है तो 4 भी आएगा, तो 4 भी आएगा, 4 × 20 × 40√6, सी सही उत्तर है, ये गलत है, 109 सी उत्तर लिख रखा है एक दो ने, दोबारा करवा देता हूं, कंफ्यूजन रह गया हो तो। यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, बीच में माइनस है तो 4 भी आएगा, आगे प्लस है तो प्लस 4 भी आएगा, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 × 2√6 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर आएगा 25, नहीं, बीच में माइनस है तो 4 भी आएगा,
फोर चार पंजे बीस, बीस दूनी चालीस, रूट छः, सी सही उत्तर है 109। बहुत बढ़िया। सी एच एस एल का एग्जाम पोस्टपोन हो गया बता रही है। अब यहां पावर आठ है भाई, यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां प्लस, माइनस वाला लेता हूं, आठ पावर है, ये अंडर रूट टू माइनस वन, इसकी पावर आठ है, पहले स्क्वेयर फिर स्क्वेयर फिर स्क्वेयर, जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो दो और एक तीन, माइनस दो रूट दो, अब पावर चार रह गई, नौ और आठ सत्रह, माइनस बारह रूट दो, अब इसका रह गया स्क्वेयर, बीच में प्लस है तो इसमें जो जो प्लस आएगा उसका डबल होगा, सत्रह का स्क्वेयर 289, तो दो गुणा 289 और ये प्लस बीस स्क्वेयर दो से गुणा होगा तो ये 288, 12 का स्क्वेयर 144 होता है, दो का अंडर रूट दो का स्क्वेयर दो, 144 गुणा दो 288, इनको जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, 8 और 8 16 और 1 17, 4 और 1 5 और गुणा करेंगे दो, 1154 उत्तर आता है इसका, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था एक सवाल का उत्तर 1154। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा, जब पावर में माइनस आठ है तो इसको प्लस कर लेंगे पावर को और अंदर वाले निशान ले लेंगे, कंजुगेट बोलते हैं ऐसे निशान बदलने को, निशान बदल जाएगा ऐसे ही निशान बदलेगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब बीच में है प्लस, प्लस वाला आएगा तो जो भी लास्ट में आएगा उसका स्क्वेयर, तो पहले स्क्वेयर करेंगे फिर स्क्वेयर और फिर स्क्वेयर, तीन बार स्क्वेयर होगा, अंडर रूट टू प्लस वन, इसकी पावर आठ, तो दो और एक तीन जमा दो रूट दो, पावर चार, तो नौ और आठ सत्रह जमा तीन दुनी छह दुनी बारह रूट दो, पावर दो, अब इसमें जो जो प्लस आएगा या माइनस है तो जो जो प्लस आएगा माइनस वाले में या माइनस आना बस उसमें, तो जो जो प्लस आएगा वो डबल होगा, बीच में प्लस है तो इसका स्क्वेयर 289 दो से डबल और जमा 288 दो से डबल, ये 577 आएगा, दो से गुणा करेंगे 1154, बी सही उत्तर 111 नंबर का। 112 नंबर देखो तुम्हें आ जाएगा करके, 113 नंबर आ जाएगा तुम्हें, 114 नंबर बिल्कुल आसान है तुम्हें आ ही जाएगा, 115 नंबर तुम्हें क्यूब वाला सवाल आ गया, क्यूब वाला ये क्यूब का है, ये भी क्यूब वाला, इसमें सब कुछ प्लस आएगा, इसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस आएगा, क्यूब का फार्मूला तुम्हें बचपन से ही आता है फिर भी याद करवाना मेरा धर्म बनता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब, जब इसको ओपन करेंगे सब कुछ क्यूब में आएगा प्लस में आएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ क्यूब प्लस में आएगा कुछ माइनस में आएगा, जो प्लस में आएगा वो डबल, जो माइनस में आएगा वो कैंसल, तो जब हम इसको ओपन करेंगे इसमें ए क्यूब आएगा, ए क्यूब रूट पांच का क्यूब होगा पांच रूट पांच और ये डबल होना है तो गुणा दो ए क्यूब, अब ये माइनस थ्री ए स्क्वेयर भी है कैंसल हो जाएगा ये तो कैंसल, प्लस फिर आएगा थ्री ए बी स्क्वेयर, थ्री ए बी स्क्वेयर प्लस थ्री के जगह आएगा टू, फिर आएगा थ्री ए अंडर रूट पांच और बी स्क्वेयर हो जाएगा तीन और फिर ये माइनस बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अब तीन तिया नौ दुनी अठारह रूट पांच और पांच दुनी दस रूट पांच, आंसर 28 रूट पांच, ए सही उत्तर। क्या मैं उम्मीद करूं कि यह सवाल तुम्हें आ गया है? थोड़ी देर बाद चलो भाई, फिर से क्यूब आ गया, माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, जो जो प्लस आएगा वो डबल, जो माइनस आएगा वो कैंसल, इसका क्यूब आएगा, इसका क्यूब बनेगा आठ, डबल करेंगे गुणा दो, फिर माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी कैंसल, प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर तो डबल होगा, प्लस ट्वाइस इंटू थ्राइस इंटू ए, ए बनेगा दो और बी स्क्वेयर तो ये बनेगा तीन, तो ये तीन दुनी छः ठीक 36 जमा 16 कितना बन गया 52, बी सही उत्तर है 115 बी, वही क्यूब वाला सवाल है, फार्मूला है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, इन सवालों को तुम करके देख लेना, माइनस वाला आ गया तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे करना है, वैसे का वैसा सवाल तुम्हें आता है, ये सवाल भी तुम्हें आता है, ये भी आता है, इनको करके देखना, पहले इसमें अंदर हर का परिमेयकरण करेंगे, ये यहाँ माइनस करवाना भाई इसमें
ये माइनस है भाई, एक में ऊपर प्लस, एक में माइनस, इसमें प्लस माइनस, ऐसे एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं ये, 121 नंबर में गड़बड़ है। तो यहाँ माइनस है ये, इसका निशान जब हम बदलेंगे तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर वाले का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर वाले का होल स्क्वायर बनेगा 2 × 3 जमा 2√2, और फिर इसका हमें करना है क्यूब, यानी नीचे से 2 − 1 = 1 रह जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर +3 − 2√2, अब इसकी पावर 3 आनी है। अब आंसर माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, जो जो प्लस आएगा वो डबल हो जाएगा, तो इसमें जो प्लस आएगा ए क्यूब 27 × 2 = 54 −3a² b कैंसल, +3 उसमें डबल और होगा 2 × 3 × b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 × 3 × 3 3a² 3a × b² 1 और 3 आएगा भाई, 3 × 3 = 9 9 × 2 = 18 18 × 8 = 144 और 54, तो ये 8 9 1 198 बी सही उत्तर है। उम्मीद करूं क्या तुम्हें आ गया सर? आज बहुत है आज के लिए, ये जो सवाल एक जैसे ही यार, हर के परिमेयकरण के हैं, और आज छुट्टी है, छुट्टी का मजा ले लो, एक क्लास और रह जाएगी, एक क्लास और थोड़ी बहुत देर में आगे पीछे निपटा दूंगा मैं आज, हर के परिमेयकरण वाले सवाल इसको कर लो तुम। यहाँ ऊपर आएगा 8 5 और 3 8 −2√15 2 से कैंसिल होगा तो 4 − √15 और फिर इसका क्यूब करेंगे, ये प्लस में आना ही है, इससे डिपेंड करेगा, ए क्यूब आएगा 64 × 2 = 128 +3ab² आएगा, 2 तो लेना पड़ेगा, फिर 3 लेना पड़ेगा, फिर a लेना पड़ेगा, और ये b² लेना पड़ेगा, तो 15 तो 15 × 60 ठीक 360, और इसमें जोड़ देंगे ये 8 ये 8 ये 4 488 b सही उत्तर है। प्रैक्टिस के बाद सवाल आएगा, कर लोगे तुम इसको भी, इसको भी तुम कर लोगे। −6 है, इसको यहां से ऐसे, इसको यहां से ऐसे करेंगे, बीच में प्लस है, प्लस वाले पर डिपेंड करेगा, पावर में 6 है तो ये √2 + 1, पहले इसका करते हैं स्क्वायर और फिर करेंगे क्यूब, इससे हमारी आत्मा को तुरंत प्रभाव से शांति मिलेगी। यहाँ √2 − 1, इसका पहले स्क्वायर और फिर करेंगे क्यूब, ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे 2 × 3 जमा 2√2 और इसका हो गया क्यूब, अब +3 − 2√2 और इसका हो गया क्यूब, माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, ए क्यूब आएगा 27 × 54 +2 × 3 × a × b² 8 3 × 8 = 24 24 × 6 = 144 891 198 बी सही उत्तर है। वही 6 पावर माइनस में है, माइनस से जो कंजुगेट लेंगे, फिर स्क्वायर और फिर उसका क्यूब लेंगे, आंसर तुम निकाल ही दोगे, ये भी तुम्हें आता। तो 127 नंबर क्वेश्चन तक मैंने क्वेश्चन तुम्हें करवा दिए हैं, 127 क्वेश्चन तक तुम लोग करके देख लेना, लास्ट में प्रॉब्लम पूछूंगा तुमसे, शाम को एक क्लास और लूंगा, एक क्लास में और, वैसे तो अभी हर के परिमेयकरण के सवाल थे पर क्लास ज्यादा लंबी हो गई, मुझे भी महसूस हो रहा है, हर के परिमेयकरण के सवाल एक दो और जो करवाने वो आ जाएंगे, ज्योति वैद समझ में नहीं आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको शुरुआत से देखना है, पहले न्यू जर्नल की क्लास और फिर ओल्ड जर्नल की 4-5 क्लास हो ली, और यहाँ तक के सवाल जब समझ में ना आए ना तो अपने हाथों से पहले करके देखना सवालों को, जहाँ तक समझ में आए फिर वीडियो देखना, फिर समझना, फिर वीडियो देखना, फिर समझना, 3-4 बार वीडियो देखोगे और सवाल अपने हाथों से करके देखोगे तब आएगा समझ में। चलिए, मुझे कुछ नहीं आ रहा जी, ज्योति वैद बहुत बढ़िया, ज्योति वैद तेरे लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको ऐसे करना है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।